हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय टेक्निकल अफ्रीकन चैनल इन नेक्स्ट टाइम। एंड आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ एंटीवायरस के ऊपर। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बोला था कि मैं एंटीवायरस के ऊपर थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन दूंगा, तो मैं लेके आया हूँ आपके लिए बहुत सारे एक्सप्लेनेशन। तो फ्रेंड्स, लेट्स प्ले आवर वीडियो। तो अब आपका वायरस से जो मतलब ये चीज़ है, वायरस का चीज़ है, तो ये आपको देखने को नहीं मिलेंगे। मतलब अगर आपका कंप्यूटर फुली वायरसेस के ऊपर है, वायरसेस इसको कंट्रोल कर रहा है, वायरसेस ने इसको हैक कर दिया है, तो आपको एंटीवायरस प्रोग्राम लीजिए तो आपको मतलब कि इसे डिटेक्ट करने का उपाय मिल जाएगा। लेकिन अगर आप एंटीवायरसेस लगाए, अगर आपके कंप्यूटर फुल्ली बहुत खतरनाक वायरसेस में ट्रांसफर हो गया है, तो इसका कुछ ज़्यादा सोल्यूशन नहीं है। अगर आप अच्छी तरह से एंटीवायरस लगाएंगे, हर रोज़ आप मतलब ज़्यादातर अपडेट करते रहेंगे, तो आपका कंप्यूटर या आपका डिवाइस मतलब फुल्ली सेफ होगा। तो फ्रेंड्स, एंटीवायरस का प्रोग्राम मतलब क्या होता है, इसमें कुछ कोड्स लिखे होते हैं जो उस वायरस को डिटेक्ट करने में है। मतलब आजकल कुछ अलग अलग से वायरस भी आपको निकलते हैं, वायरसेस अलग अलग से जो एंटीवायरस भी उसको कैच नहीं कर सकता, लेकिन फिलहाल तो कर ही रहा है। अगर नहीं कैच कर पाया तो नया नया एंटीवायरस भी निकल आएगा। तो फ्रेंड्स, अगर अच्छे अच्छे एंटीवायरस की बात करते हैं, तो मेरे हिसाब से मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा, अगर आप कंप्यूटर के ऊपर जाते हैं, जनरल पीसी के ऊपर अगर आप एंटीवायरस लगाना चाहते हैं, तो क्विक हिल एंटीवायरस बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। पहले से आज तक यही बहुत यूज़ हो रहा है। अगर आप इंटरनेट सिक्योरिटी में ज़्यादा मतलब यूज़ करना चाहते हैं, तो आप नॉर्टन सिक्योरिटी एंटीवायरस लगा सकते हैं। और अगर आप माइक्रोसॉफ्ट को स्पेशली मतलब प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, तो माइक्रोसॉफ्ट सिक्योरिटी एसेंशियल भी लगा सकते हैं। मतलब तीनों अगर आप एंटीवायरस लगाएं तो कोई बात नहीं है, ये भी आप कर सकते हैं। कैस्पर्स्काई, क्विक हिल, नॉर्टन, अलग अलग सबको एंटीवायरस मिलते हैं, लेकिन इंटरनेट में सिर्फ नॉर्टन ही ज़्यादा अच्छा है। नॉर्टन एंटीवायरस और क्विक हिल जनरल पीसी के लिए, माइक्रोसॉफ्ट के लिए स्पेशली माइक्रोसॉफ्ट सिक्योरिटी एसेंशियल। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको बता दिया है तीन एंटीवायरस के बारे में जो आप वायरस को अच्छी तरह से डिटेक्ट कर सकता है। तो फ्रेंड्स, वायरसेस में क्या होता है, आपको प्रोग्राम जो आजकल तो अलग अलग से वायरस निकलते हैं, तो प्रोग्राम आपको मतलब हैंगफुल्ली हैंग कर देता है। तो एंटीवायरस को जितना हो सके अपडेट करते रहना चाहिए। एंटीवायरस का कोई एक वैलिडिटी होता है, एक्सपायर हो जाएगा ये एक साल बाद, ये दो साल बाद, या ये तीन साल बाद। लेकिन अगर ये एक्सपायर हो जाता है, तो मतलब आप छोड़ देते हैं, हाँ ये एक्सपायर हो गया, तो ये इसका वही सिस्टम एप्लीकेशन है, तो रहने दीजिए, मतलब बाद में करते हैं। तो ये बाद में करने की सिलसिले आप मतलब कभी मत रखिए। अगर आपके पास है अपडेट करना है, मतलब अभी तक एक्सपायर हो गया है, तो प्लीज़ आप अपडेट कर दीजिए। बिकॉज कभी भी अगर आपका पीसी हैंग वायरस हो जाता है, तो मतलब क्या है, मतलब तो आप अच्छी तरह से हर रोज़ नहीं तो हफ्ते में एक बार, हर रोज़ नहीं करना चाहिए, ये बोले मैंने नहीं रहता, हर हफ्ते में संडे को एक एक बार आप अपडेट करते रहिए। और अगर ये एंटीवायरस एक्सपायर हो जाता है, तो नया एंटीवायरस खरीद लीजिए, 5 से 7 2 3 4 5 से ऐसे मिलेंगे। फ्रेंड्स, एंटीवायरस को हर रोज़ आप अपडेट करते रहिए, ताकि नए नए वीडियो मतलब वायरसेस को ये डिटेक्ट कर पाए। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। एंटीवायरस के ऊपर जितना था उतना मैंने आपको बोल दिया है, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं अच्छी तरह से लेके आने वाला हूँ आपके लिए। तो तब तक के लिए सी यू सून फ्रेंड्स। जय हिंद, वंदे मातरम।